One of the value systems that Gandhi always espoused, and in fact he spent his entire life pursuing that particular value system, experimenting with that value system and making sure that he has adapted it in his life, in its form and spirit. अपने जीवन में उन्होंने अपने आप को अभिभूत कर लिया था इस विचारधारा से, और वो है सत्याग्रह, सत्य, ट्रुथ. व्हाट इज ट्रुथ? क्योंकि जब सत्य की भी बात होती है तो बहुत लोग कहते हैं कि सत्य के भी कई पहलू हैं. मेरा सत्य आपके सत्य से भिन्न हो सकता है, आपका सत्य किसी और के सत्य से भिन्न हो सकता है, परंतु एक सत्य है जो कि निर्विवाद होता है, जिसको हमारी संस्कृति में रित कहा जाता है, रित, जो कि कभी बदलता नहीं है. उदाहरण के तौर पे यदि कोई आपसे पूछे कि अभी क्या समय हुआ है, तो आप बोलेंगे संभवतः 9:35 या 9:37, जो भी समय हुआ होगा. और यही प्रश्न आपसे कोई 15 मिनट बाद कहेगा, पूछेगा, तो आप बोलेंगे 9:52. प्रश्न वही था, परंतु आपका उत्तर बदल गया. और इसको कहते हैं सत्य, जो कि कभी कभी बदल भी सकता है. लेकिन गांधी जिस वैल्यू सिस्टम की बात करते थे, जिन मूल्यों की बात करते थे, वो थी सत्य निष्ठा, वो थी सत्य आग्रह, वह था रित, जो कि कभी बदलता नहीं है. और जो नहीं बदलता है वो है मनसा वाचा कर्मणा, कि आपके जो विचार में है, जो मन में है, वही आपकी वाणी में होना चाहिए. जो आपकी वाणी में है वही आपके कर्मों में होना चाहिए. तो जब आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म, इन तीनों के बीच में एक समन्वय बन जाएगा, तब होगा सत्याग्रह.